हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन और DIY कंचन में आपका स्वागत है। सो, आज हम बनाने जा रहे हैं डेकोपाज ऑन प्लेट। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता नहीं है कि डेकोपाज होता क्या है। डेकोपाज एक यूरोपियन आर्ट फॉर्म है जिसमें आप अलग अलग तरह के प्रिंटआउट्स और नैपकिन्स और कोई भी कटआउट, फूल के कटआउट, पौधों के, चिड़ियों के कटआउट्स लेके आप किसी भी चीज़ में चिपकाइए, किसी बोल में, किसी वास में, कोई प्लेट में, और फिर उसको ग्लू लगा के एंड देन वो आर्ट फॉर्म बहुत ही सुंदर दिखती है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ जो भी मैं वीडियो डालूँगी उसकी आपको नोटिफिकेशन आएगी कि मैंने एक न्यू वीडियो डाला है। तो आज हम बनाएंगे डेकोपाज ऑन प्लेट। सो, सबसे पहले आपको कोई भी प्लेट लेनी है। लाइक, मैंने ये वाली प्लेट ली है, मेलामाइन की प्लास्टिक की प्लेट ली है जो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी। काफ़ी सारे लोग सिरेमिक प्लेट्स लेना पसंद करते हैं, काफ़ी सारे लोग कांच की प्लेट में पीछे की तरफ से डेकोपाज करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है पेंट, क्योंकि हमको बेस जो है वो वाइट चाहिए। अगर हमारा बेस वाइट नहीं है तो कोई भी आप चीज़ बनाएंगे या कोई भी चीज़ चिपकाएंगे तो उसका वो लुक नहीं आएगा। सो नेक्स्ट, डेकोपाज शीट ले रही हूँ। इसको फाड़ने का भी एक तरीका है, इसको आप कैंची से फाड़ेंगे तो वो लुक नहीं आएगा, क्योंकि इसके एजेस हैं वो क्लियर नहीं होने चाहिए। थोड़े से पैची हो, थोड़े से फटे हुए हो तो वो अच्छे लगते हैं। वो चिपकाने में फिर वो रियल लुक आता है कि आपने कुछ चिपकाया नहीं है, वैसा लुक आता है। तो मैं इसमें पानी लगा के इसके एजेस को थोड़ा सा अनइवन कर रही हूँ, देखिए इस तरह से। लेकिन आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल इसमें, क्योंकि इतना सॉफ्ट पेपर होता है कि फट जाता है। अच्छा, अब नैपकिन के पीछे दो शीट्स एक्स्ट्रा चिपकी रहती है, अगर आप इसको उसके साथ ही चिपका दोगे तो वो उसके ऊपर क्रैक्स आ जाएंगे, अच्छे से चिपकता नहीं है वो। उसके बाद मैं ले रही हूँ मॉड पॉज ग्लू और एक ट्रांसपेरेंट शीट और एक ब्रश ऑफ कोर्स। आपको मॉड पॉज ग्लू जो है वो लगाना है प्लेट के ऊपर। आपको बहुत ही केयरफुली जो आपका नैपकिन है उसको बैठाना है प्लेट में और फिर स्लोली अंदर से बाहर की तरफ आपको प्रेस करना है। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ करोगे तो फिर वो अच्छे से इवनली प्लेट में नहीं बैठेगा। देखिए, नाउ इट्स कलर टाइम। आप कलर लीजिए, उसके बाद जितने भी साइड में आपको जितना भी दिख रहा है खाली एरिया, लाइक आसमान में मैं नीला भर रही हूँ, बगल में मैं फिर भी ये हरा भरने लग रही हूँ, इसमें थोड़ा सा फिल कीजिए, थोड़े से कलर्स दीजिए अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, आपको जैसा पसंद है, और धीरे धीरे करके बनाइए जैसा आपको पसंद आता है। बहुत ही ईजी टेक्निक है ये करने की। और मैं मॉड पॉज ग्लू के बारे में भी आपको बता रही थी, अगर आपको नहीं पता है मॉड पॉज ग्लू क्या है, कैसे है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक बता दूंगी कैसे आप उसको बना सकते हैं और कहां से आप उसे ख़रीद भी सकते हो। बहुत ईजी है बनाना। अपना जो फेविकॉल आता है, फेविकॉल लीजिए और उसी का एग्जैक्ट हाफ अमाउंट का आपको पानी लेना और उसको मिक्स करके वो आप सोल्यूशन बना के रख लीजिए और आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी सेम लुक देता है। मॉड पॉज ऑफकोर्स ज़्यादा बेटर दिखता है, लेकिन वो कर सकते हो आप। अच्छा, नेक्स्ट, अभी मैंने इसमें गोल्ड कलर लिया है। सो गोल्ड कलर से क्या होता है, बहुत ही अमेजिंग लुक आ जाता है, क्लासी एंटीक लुक आता है। तो इसके एजेस जो है वो मैंने सारे गोल्ड कलर से दे दिया है। अब इसके ऊपर जब ये पूरे कलर सूख जाए अच्छे से, उसके बाद मॉड पॉज ग्लू आप लगाइए। इससे क्या होगा, आपका जो कलर है नैपकिन का वो फेड नहीं होगा, आपके कलर्स ख़राब नहीं होंगे। इसके ऊपर धूल मिट्टी कुछ भी कीजिए आप, इसको इवन हल्के गीले कपड़े से वॉश भी कर सकते हैं, साफ़ भी कर सकते हैं, कोई कलर नहीं जाएगा। तो एक बार मॉड पॉज ग्लू आपका ड्राई हो गया है, उसके बाद अभी मैं इसमें हुक लगाऊंगी। ये सेंटर मैंने कैसे लिया, आपने देखा, पहले मैंने ऊपर निशान लगाया और उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ द प्लेट लिया और फिर मैं इसको हुक को फिक्स करूँगी। एक मेरे पास बॉन्ड ग्लू है, उससे मैंने उसको फिक्स किया। फाइनल लुक के लिए वार्निश इज ऑलवेज देयर। आप देखिए, वार्निश के बाद तो इट्स लुकिंग अमेजिंग। सो जो सेकेंड प्लेट है, इसमें मैं कोई पेंटिंग नहीं करूँगी। इसको पूरी शीट को, पूरे नैपकिन को आप पूरा प्लेट में कैसे लगा सकते हो। नाउ फर्स्ट थिंग, आप देख लीजिए, पूरा वाइट मैंने एक्रेलिक कलर किया, चॉक कलर ले सकते हो। उसके बाद सेम मॉड पॉज ग्लू लगा रही हूँ मैं, आप वो फेविकॉल वाला जो आप ग्लू बना रहे हो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद
ये नैपकिन का जो बेस है वो निकालना है। उसके बाद बहुत ही केयरफुली आपको नैपकिन पेपर को बिठाना है प्लेट में, एंड देन आपका ट्रांसपेरेंट शीट लीजिए, एंड देन स्लोली स्लोली वेरी जेंटल, टेक योर टाइम। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कॉन्स्टेंट मतलब एकदम जल्दी 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 करो, रिलैक्स, टेक योर टाइम, बिकॉज ये एक बार चिपक गया तो चिपक गया, फिर उसको आप नहीं कर सकते ठीक। देन जितने भी साइड में एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उसको आप कैंची से काट लीजिए, हाथ से वो लुक नहीं आएगा, इसमें आप वो पानी वाला नहीं कर सकते, कैंची से काटिए, एकदम क्लियर एजेस होंगे, अच्छा लगेगा। नाउ नेक्स्ट इज अ, इसके ऊपर मैं सिर्फ गोल्डन जो ड्राई कलर आता है वो यूज़ करूँगी। इसको मैंने मीडियम के साथ मिक्स किया है, पानी के साथ नहीं, मीडियम के साथ ही मिक्स करना चाहिए तभी उसका लुक आता है। तो थोड़ा सा मीडियम लीजिए, थोड़ा सा ड्राई गोल्ड कलर लीजिए, उसके बाद थोड़े थोड़े आप रोजेस में, लीफ में, एजेस में, बटरफ्लाई में थोड़ा लुक देने के लिए गोल्ड का आप गोल्ड से थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए, एंड सेम इसमें भी मैं इसके जो एजेस हैं उनमें भी मैं गोल्ड कलर करने वाली हूँ। तो बहुत ही क्लासी पीस आपका ये बन जाएगा वॉल में। लुक एट दिस बटरफ्लाइज एंड लुक एट दिस वन, ये जो मैं एजेस दे रही हूँ इसमें बहुत ही क्लासिक पीस बन के आएगा। सेम अब आपको इस सबको सील करने के लिए मॉड पॉज ग्लू लगाना ही पड़ेगा। मॉड पॉज ग्लू को आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना है इसमें, ये जैसा आया है वैसे ही आपको लगाना है। इसको छोड़ दीजिए, एक दिन पूरा सूखने दीजिए। अगर आपको इसके ऊपर कुछ और चिपकाना है, जैसे मुझे ये थोड़ी जगह खाली लग रही थी तो आई थॉट कि लव इज़ इन द एयर, अगर मैं चिपकाऊँगी ये बर्ड के साथ तो अच्छे लगेगा, बटरफ्लाई के जस्ट ऊपर, सो इट्स लुकिंग गुड। और पता भी नहीं चलता इसके ऊपर आप कुछ भी चिपकाएंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपने वो अलग से कुछ पैच चिपकाया। सो सेम मैंने वैसे ही सेंटर लिया, ऊपर निशान लगाया और उसके बाद मैंने हुक सेट किया। मेरे पास बॉन्ड ग्लू है जिससे मैंने वो हुक सेट किए हैं लाइक दिस, एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग एंड विदाउट वार्निश तो चलेगा ही नहीं। आप वार्निश तो ज़रूर लगाइए क्योंकि उससे आपका जो भी आप पीस बनाएंगे वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, उसमें शाइन रहेगी, उसमें धूल मिट्टी भी लगती है तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये मेरी पहली हिंदी वीडियो है जिसमें मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ वीडियो के, तो आप मुझे वो भी बताइए कि आपको कैसा कैसा पसंद आया। सो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।